नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलामू पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के मटपुरही दांगी टोला में चार दिन पहले मिले नर कंकाल का उद्भेदन करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मृतक की पहचान उदय कुमार बैद उम्र 55 वर्ष के रूप में की गई है। इस संबंध में सदर SDPO ऋषभ गर्ग ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि पुलिस को 12 जनवरी को सुबह सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के ओरिएंट स्कूल के आगे मटपुरही दांगी टोला में एक अज्ञात नर कंकाल पड़ा हुआ है। इसकी सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस थाना प्रभारी गौतम कुमार के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची तो यह प्रतीत हुआ कि हत्या का शव को जलाया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त स्थान पर छत विछत मानव कंकाल को पंचनामा के लिए एकत्रित कर पोस्टमार्टम हेतु मेदिनीनगर सदर अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव का DNA टेस्ट कराने के लिए रांची रिम्स भेजा गया। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में संदेह एवं तकनीकी सहायता के आधार पर मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रेडमा श्री रामपत निवासी राकेश कुमार वैद और सदर थाना क्षेत्र के ग्राम जमुने निवासी पंकज कुमार मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के क्रम में दोनों ने उदय कुमार वैद की हत्या कर उनके शव को जलाने का अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों को मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे भेज दिया है। संपत्ति पाने की लालच में अपने पिता की हत्या कर और साक्ष्य छुपाने के लिए लाश को जलाने वाला पुत्र अपने पिता के गायब होने का कंप्लेन कराने सदर थाना पहुंचा। इसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ कि चार दिनों के बाद पिता का कंप्लेन यह शोचनीय प्रश्न है। इसके बाद पुलिस के अनुसंधान में पिता का हत्या करने में पुत्र नजर आया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सहयोग करने वाला उसका साला भी पुलिस की गिरफ्त में आया। 32 वर्षीय राकेश कुमार वैद ने अपने पिता उदय वैद की हत्या संपत्ति विवाद में कर दी। गिरफ्तार पुत्र ने बताया कि उसको और पिताजी के बीच संपत्ति का विवाद साथ में घरेलू विवाद था। मालूम हो कि मृतक अपने पत्नी की मृत्यु वर्ष 2003 में हो जाने के बाद अपने दूसरे औरत के साथ छत्तीसगढ़ में रह रहे थे तथा मृतक पत्नी के बच्चों से कोई लगाव नहीं रखते थे। पहले पत्नी का बेटा राकेश वैद गढ़वा के केतार में संपत्ति अपने नाम से करने को कह रहा था और उसके पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे। इसी में दोनों के बीच विवाद था और साले के साथ मिलकर अपने पिता की साजिश रची और उसकी हत्या कर शव को जला दिया। पुलिस ने अपराधियों के पास से जिससे मृतक का गला दबाया गया वह रस्सी, दो जोड़ी काला जूता, एक काला मोजा, सोनाटा कंपनी का घड़ी, मृतक का वीवो कंपनी का टूटा हुआ मोबाइल, चैनपुर थाना क्षेत्र से एक ईयरबड प्लास्टिक में रखा तरल पदार्थ, हरे रंग का जला कपड़ा का अंश सहित अन्य सामान बरामद किया। हम लोगों को सूचना मिली थी दो दिन पूर्व कि एक अज्ञात स्कल जो है आधे जली कंडीशन में प्राप्त हुआ था डाल्टेनगंज शहर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो उसी के क्रम में हमारे थाना प्रभारी और छापामारी टीम अभिमन्यु कुमार, राम तवक्या सिंह और बाकी जो भी अधिकारी और आरक्षी थे वो लोग गए घटनास्थल पे। वहाँ पे अवलोकन करने से उनको कुछ कुछ और चीज़ें बरामद हुई तो इस्टैब्लिश कर पा रहे थे हम लोग इस चीज़ को कि किसी की हत्या करके वहाँ पे उसको जलाया गया है। उसी के क्रम में अनुसंधान जब आगे बढ़ा तो हम लोगों को 14 तारीख की शाम में एक व्यक्ति ने आकर के अपने पिताजी के मिसिंग की कंप्लेंट दी। तो जो नंबर हम लोगों को प्राप्त हुआ उसी के अनुसंधान में फर्दर हम लोगों को ये पता लगा कि धीरे धीरे उनके बेटे ने ही अपने साले के साथ मिल करके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के विवाद की वजह से अपने फादर के साथ ऐसा काम किया है। तो उसमें हमारी टीम का बहुत ही अच्छा रोल रहा, स्पेशली सदर थाना के प्रभारी और उनकी जो पूरी छापामारी टीम थी और हम सब लोगों ने मतलब एकजुट होकर उसको काफ़ी जल्दी क्रैक किया। तो आई एम वेरी हैप्पी और मैं अपने सभी जो भी सदर थाना वाले पूरे लोग हैं उनको बधाई के पात्र हैं वो सब। हम उम्मीद करते हैं आगे भी इसी प्रकार ये कार्य करते रहेंगे और आप लोग को शहर को हम लोग सुरक्षित और साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करते हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।